ये जो हमारे घरों में छोटी सी माचिस की डिबिया आती है वो दिखने में छोटी होती है, मगर एक छोटी सी माचिस पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी होती है। ऐसे में शायद आपने ये नोटिस किया होगा कि माचिस के डिब्बे के ऊपर सेफ्टी मैचेस लिखा होता है। अब दूर दूर तक तो इसका सेफ्टी से कोई रिलेशन है नहीं, फिर भी ऐसा कौन सा सेफ्टी फीचर इसके अंदर भरा जाता है, आइए आपको बताते हैं। 31 दिसंबर 1827 को ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट जॉन वॉकर ने पहली बार माचिस का आविष्कार किया था। उन्होंने तीली के ऊपर एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और स्टार्च का इस्तेमाल किया था, जिससे किसी भी खुदरी जगह पर गड़ने से वो जल उठती थी और बहुत ही ज्यादा बदबू देती थी, और कभी कभार इसमें विस्फोट भी हो जाता था, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान भी हुआ था। फिर 1832 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट ने एंटीमनी सल्फाइड की जगह तीली पर फास्फोरस का इस्तेमाल किया, जिससे बदबू आना तो बंद हो गया मगर इसके जलने से हार्मफुल गैसेस निकलने लगे। फिर 1855 में स्वीडन ट्यूबिकर ने इनके केमिकल में थोड़े चेंजेस किए और पहली सेफ्टी मैचेस बनाई, और इसके स्ट्राइकर को जिस पर रगड़ कर माचिस को जलाया जाता है उस पर कांच और फास्फोरस का लेप लगाया, जिसके बाद ये माचिस लोगों के जलाने के लिए सेफ हो गई।